ईवीएम की सुरक्षा घेरे को जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ा कर दिया गया है। ईवीएम मशीनों को जिला कांगड़ा के 15 स्ट्रांग रूमों में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। जिला के 15 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां 8 दिसंबर को मतगणना भी होगी। ईवीएम के लिए पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। ईवीएम के लिए पुलिस जवानों का सख्त पहरा लगाया गया है, तो वहीं आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। कांगड़ा के एसपी डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ईवीएम की सुरक्षा को 3 घेरों में बांटा गया है। वेयर हाउस में 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है। सुरक्षा में तैनात किए गए सभी जवान हथियारबंद है। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को मतगणना के दिन तक वेयर हाउस में ट्रिपल लेयर की सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी वेयर हाउसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पुलिस ने 2,65,00,000 से ज्यादा रुपए अपने कब्जे में लिया है। इसके साथ ही 80 के करीब शराब के मामले दर्ज किए गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हम सिक्योरिटी प्लान बना के भेजते हैं, जो की अप्रूव होता है। तो एज़ पर दैट प्लान हमारा यहाँ पे 15 स्ट्रॉन्ग रूम है, और प्रत्येक स्ट्रॉन्ग रूम में इसको 3 टीयर जो है हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। सबसे जो अंदर का टीयर है, इनर मोस्ट टीयर जो है कॉटन जो है, जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम का तार लगा है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा का फीड आता है, उस पोर्शन को हमारा जो है CAPF जिला कांगड़ा में BSF की 45 सेक्शन एक स्ट्रॉन्ग रूम में 3 सेक्शन रखती है, वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। उससे बाहर हमारे 10 आदमी हमारे रिजर्व बटालियन से लगते हैं, इंडिया रिजर्व बटालियन के, तो वो भी लगा दिए गए हैं। और उसके बाहर आधी इनके सेक्शन हाफ सेक्शन जो है इनके 1/4 जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लगते हैं। तो इस तरीके से जो है वो सभी मशीनों में एक समान जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हमारा लगभग 2,65,00,000 से ऊपर जो है कैश सीजर हुआ है, और हमारे जो है वो 8 केस जो है नारकोटिक्स के सीजर हुए हैं। अराउंड जो है 80 के करीब केसेस हमारे टोटल मिला करके एक्साइज एक्ट के भी हुए हैं, और लाखों लीटर लहन जो है लगभग 3.5 लाख लीटर लहन भी डिस्ट्रॉय की है, और विभिन्न प्रकार की शराब पकड़ी है। तो ये जो सीजर है इस बार के चुनावों का पिछले चुनाव की तुलना से कई गुना ज़्यादा है, और अदरवाइज जो हमारे चुनाव हैं वो सब शांतिपूर्ण हुए हैं।